नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जस्ट यूपीएससी एग्ज़ाम। दोस्तों, हमारी रिवीजन की वीडियो के अंदर लास्ट लेक्चर है हमारा ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम इंडियन स्पेस के बारे में जितने भी हमारे चार लेक्चर थे उनको क्लब करके पढ़ेंगे। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई ने चलाया था, ठीक है, और इसके जो 1962 के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी थी उन्होंने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाई, जिसके हेड थे डॉक्टर विक्रम साराभाई और रामानाथन। उसके बाद इसरो का गठन हुआ 1969 के अंदर में, ठीक है, और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर इसरो को डाल दिया गया। फिर इसके सेंटर्स हैं कुछ जो याद करने की ज़रूरत नहीं है, तीन सेंटर मेनली याद करने की ज़रूरत है। विक्रम साराभाई सेंटर जो कि लॉन्चर वगैरह डेवलप करते हैं, इसरो सेटेलाइट सेंटर बेंगलोर जो कि सेटेलाइट की बिल्डिंग करते हैं, और सतीश धवन जहाँ से इंटीग्रेट और लॉन्च किया जाता है इनको। फिर लॉन्चर्स आते हैं जो सेटेलाइट को कैरी करते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लॉन्चर्स में देखेंगे सबसे पहले लेके आए थे सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। तो ये इसकी सारी स्टेजें सॉलिड थी, चार स्टेज का रॉकेट था ये, 40 केजी तक लेके जा सकता था, मतलब अब ये काम नहीं करते, ठीक है, ऑपरेशनल नहीं है ये। फिर इसकी स्टेजें देखी थी हमने, जैसे जैसे जितनी ज़्यादा स्टेजें होंगी उतना मतलब उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, मतलब एक तरीके से आपको ज़्यादा फ्यूल लेके जाना है। लेटेस्ट में तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है जिसमें ज़्यादा फ्यूल लेके जाया जा सकता है, ठीक है। अब ये आता ऑगोमेंटेड सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो इसमें पांच स्टेजेस हैं, सभी सॉलिड प्रोपेलेंट हैं, ठीक है। प्रोपेलेंट पता है आपको क्या होता है, 150 केजी तक लेके जा सकता है ये, ठीक है। फिर पीएसएलवी जीएसएलवी में देखा था, जीएसएलवी ज़्यादा पावरफुल है, पीएसएलवी कम पावरफुल है। पीएसएलवी की चार स्टेजेस हैं, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, और इसकी तीन है, सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक मतलब कि काफ़ी कम टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करके लेके जाएंगे हम, ठीक है, काफ़ी कम टेम्परेचर के ऊपर वर्क करेगी, तो ज़्यादा फ्यूल लेके जा सकते हैं। और पीएसएलवी जो है छोटी, जो पोलर ऑर्बिट होते हैं, जैसे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, वहाँ तक सेटेलाइट लेने के काम आता है मेनली। और जीएसएलवी है कम्युनिकेशन सेटेलाइट को बड़े ऑर्बिट में, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जाने के काम आता है, ठीक है। ये वेरियंट थे, हमने इसके बारे में पढ़ा था। फिर पीएसएलवी जो था ये 1750 केजी तक लेके जा सकता था पोलर ऑर्बिट तक, और जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक लेके जा सकता था 1425। इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, किस किस को इन्होंने लिफ्ट किया हुआ है, तो चंद्रयान 1 मिशन है, मंगलयान मिशन है, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट और हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है वो भी पीएसएलवी लेके गया है। जीएसएलवी है, जीएसएलवी 5000 केजी तक लो अर्थ ऑर्बिट में और जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में 2500 केजी तक लेके जा सकता है। तीन स्टेजें हैं, सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक इंजन होता है, मतलब वो जिसमें क्या होता है, मतलब काफ़ी कम टेम्परेचर के ऊपर वर्क कर रहा होता है, ठीक है। जनरली कितना भी हो सकता है, 183 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, या मतलब इसको नापा नहीं गया है पूरे अच्छे तरीके से कि कितना होना चाहिए ये, ठीक है। एक रफ सी रेंज है, तो इसमें या तो फ्यूल होना चाहिए या तो ऑक्सीडाइजर। तो प्रोपेलेंट होता है फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का मिक्स, ठीक है, और फ्यूल होता है जो प्रेजेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है, ऑक्सीडाइजर जो है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होता है। सॉन्डिंग रॉकेट, सॉन्डिंग रॉकेट जो होता है ये मतलब एक रिसर्च पर्पजेज के लिए आप रॉकेट भेजते हो ऊपर, ठीक है, जिससे आप मतलब ऊपर कोई इंफॉर्मेशन लेके आना चाहते हो या कोई प्रोटोटाइप है जिसको टेस्ट करना है आपने, ठीक है, तो उस काम के लिए आता है। इसको ऊपर छोड़ेंगे, यहाँ से ये डाटा कलेक्ट करके लेके आएगा और पैराशूट से नीचे उतर आ रहा है, ठीक है, और ये इसकी जो रॉकेट इसको लॉन्च करने के लिए लगाया था वो नीचे गिर गया। GSLV Mach 3 ये तीन स्टेज का हैवी लिफ्ट रॉकेट है, जिसमें हमने देखा सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक है। इसमें इसको कैरी किया गया है 4 टन क्लास की सैटेलाइट को लेके जाने के लिए, मतलब 4000 केजी तक और 8000 केजी लो अर्थ ऑर्बिट तक लेके जा सकता है। ये डाटा मैंने इसरो की वेबसाइट से लिया हुआ है। एंड नेक्स्ट आता कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर, तो ये अभी ऑपरेशन में नहीं है, ठीक है, इसको जस्ट अभी टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसमें रीयूज करेंगे हम जो व्हीकल लॉन्च करने के लिए, वैसे रॉकेट लेके जाते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अब जो भी व्हीकल होगा जिसको सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए लगाया जाएगा उसको फिर से रीयूज़ किया जाएगा। तो ये कम्बिनेशन है एयरक्राफ्ट और एक लॉन्च व्हीकल का, ठीक है। नीचे इसके लॉन्च व्हीकल है हमारे, मतलब रॉकेट समझ सकते हो आप, ऊपर इसके पास एयरक्राफ्ट है, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, लॉन्च व्हीकल नीचे गिर गया, एयरक्राफ्ट ऊपर गया, सैटेलाइट को छोड़ा और फिर से नीचे आ गया। नेक्स्ट इंजन टाइप आते, तो इंजन टाइप बेसिक देखा था हमने कि एयर की ज़रूरत होती है इंजन को, ठीक है, फ्यूल को बर्न करने के लिए। तो जो फर्स्ट है टर्बोजेट इंजन, जो कि प्लेन वगैरह में यूज़ होता है क्योंकि आपको ज़्यादा भार और ज़्यादा दूरी तक लेके जाना पड़ता है। तो ये जो है एयर ब्रीदिंग है, और इसमें क्या है कंप्रेसर लगे हैं, एयर अंदर आती है कंप्रेस होती है कंप्रेसर से, ठीक है, कंप्रेसर से कंप्रेस होगी, फिर फ्यूल चैम्बर में जाएगी और फिर टरबाइन पे होके नोजल चैम्बर से बाहर निकल आएगी, मतलब आग बाहर निकल आएगी, थ्रस्ट मिलेगा इसको। और ऐसा ही रैमजेट के अंदर होता है। रैमजेट क्या करता है, ये टरबाइन प्रेजेंट नहीं होती रैमजेट के अंदर, ये जो आगे से
हमारी हवा आ रही है उसको कंप्रेस करेगा स्पीड की वजह से, ठीक है। तो हवा ये मतलब स्पीड कितनी भी ले सकता है, 1 मैक होती है साउंड की स्पीड, ये 1 मैक से ऊपर भी जा सकता है स्पीड में, लेकिन बेसिक करेक्टर ये है कि जब ये कंप्रेस करेगा और पीछे की तरफ एयर को भेजेगा, ये कंप्रेस कर पाएगा साउंड की स्पीड से कम से, ठीक है। तो इसको रैमजेट बोलते हैं, और स्क्रैमजेट जो होगा वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा से कंप्रेस कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ ऑर्बिट। तो इसमें दो तरीके के देखे थे, सर्कुलर और एलिप्टिकल। सर्कुलर इस तरीके के जो सर्कल के अंदर प्रेजेंट होंगे, एलिप्टिकल जो एलिप्टिकल पोजीशन के अंदर प्रेजेंट होंगे। और सर्कुलर जो हैं इसको फिर से डिवाइड किया था एलिवेशन के आधार पे, फंक्शन के बेस पे। एलिवेशन मतलब कितनी हाइट पे प्रेजेंट है अर्थ पे, अर्थ से कितनी हाइट पे प्रेजेंट है, और फंक्शन के बेस पे किसी पर्टिकुलर फंक्शन को हमने कैरी करने के लिए ऑर्बिट बना दिया है। एलिप्टिकल में एग्जांपल था जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लो अर्थ ऑर्बिट जो अर्थ के नज़दीक होगा, मीडियम और फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये हमारा लो अर्थ ऑर्बिट है जो फर्स्ट है। एक तो एलिप्टिकल है हमारा, ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, लेकिन ये लो अर्थ ऑर्बिट है हमारा। फिर आता मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट आता है, ठीक है। लास्ट के अंदर ये जो होता है अर्थ के साथ में 24 घंटे में घूमता है, अर्थ भी 24 घंटे में घूमती है ये भी। और ये जो नीचे वाले ऑर्बिट है इनको इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर हम चाहें कि हम अर्थ के 2-3 चक्कर लगाना चाहते हैं एक ही दिन के अंदर, तो जितना नज़दीक उस ऑर्बिट में लेके आएंगे उसको, उतना वो जल्दी फास्ट घूमेगा अर्थ के अराउंड, ठीक है। फिर आया था जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो सिंक्रोनस का मतलब होता है कि साथ साथ में, तो ये अर्थ के साथ में 24 घंटे कवर कर रहा है, ठीक है। अर्थ भी 24 घंटे में घूम रही, ये भी 24 घंटे में। तो ये ब्लू कलर का है, ये जियो सिंक्रोनस है। ऐसे कितने भी ऑर्बिट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये इक्वेटर के ऊपर होगा पूरे, तो इसी ऑर्बिट को बोलेंगे जियो स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब कि ये स्टेशनरी है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से। अगर इसको इंडिया के ऊपर लगाया तो इंडिया के ऊपर ही रहेगा ये, ठीक है। सिंक्रोनस में ऐसा नहीं है, सिंक्रोनस में अगर एक पॉइंट के ऊपर आप देखोगे तो एक फिक्स टाइम के ऊपर, उसके बाद वो घूम के चला जाएगा, ठीक है। फिर जियो सिंक्रोनस है ये अर्थ के मतलब 36,000 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। और पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर आता है ये। एंड पोलर ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट होता है जो पोल्स के ऊपर होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल वहाँ पे मूवमेंट करता है, ठीक है। अर्थ भी घूम रही है और ये ऑर्बिट जो है पूरी अर्थ की इमेज ले लेता है। जियो स्टेशनरी तो ले नहीं पाएगा पूरी अर्थ की इमेज, पोल्स तो छूट जाते हैं इससे, लेकिन पोलर ये काम कर लेता है। स्टेशनरी का मतलब स्टेशनरी होती हैं जब दो चीज़ें, ठीक है। फंक्शन क्या है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के, तो कम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए और वेदर मॉनिटरिंग के लिए। तो इसमें हमने देखा था किस तरीके से जियो सिंक्रोनस को ब्रॉडकास्टिंग के लिए या कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन के बेस पे पोलर ऑर्बिट में डिवाइड करते हैं। पोलर हमने देख लिया जो पोल के ऊपर, और सन सिंक्रोनस। तो सन सिंक्रोनस का मतलब होता है कि सन के साथ सिंक्रोनस है। सन से जब उसे देखेंगे तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर ही घूमता हुआ दिखेगा वो, ठीक है। एक साइड सन की तरफ और दूसरी साइड अंधेरे के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही घूमेगा ये और सन के साथ में सेम एंगल बनाएगा, तो इसका मतलब है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। फिर जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, ये ट्रांसफर करने के काम आता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर में। या तो हम डायरेक्ट ऊपर छोड़ सकते हैं, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, या तो फिर धीरे धीरे गोला बना बना के छोड़ते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, या दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसको पार्किंग ऑर्बिट में छोड़ देंगे, फिर वहां से पार्किंग ऑर्बिट से यहां लेफ्ट साइड से थोड़ी सी थ्रस्ट देके इसको ट्रांसफर ऑर्बिट में लेके आएंगे, ठीक है। या तो फिर डायरेक्ट हरे वाले ऑर्बिट में ही छोड़ देंगे, लाल को स्किप कर देंगे, ठीक है। फिर बेसिकली एक बार हमने ये ग्रीन ऑर्बिट में छोड़ दिया, उसके बाद जो राइट साइड है हमारी, यहाँ से एक हल्का सा पुश देंगे, फिर ये ऑर्बिट नंबर 1 के अंदर आएगा, फिर हल्का सा पुश देंगे, फिर ये 2 के अंदर आएगा, फिर हल्का सा पुश देंगे, और फिर ये कम्प्लीटली हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आता हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, मतलब कुछ हमने देखने थे कौन कौन से मिशन चलाए हुए इन्होंने। तो कम्युनिकेशन सेटेलाइट भेजते हैं ये, अर्थ ऑब्जर्वेशन भेजते हैं, साइंटिफिक स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग, सोसाइटल एप्लीकेशन, वेदर फॉरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। अर्थ ऑब्जर्वेशन में रिमोट सेंसिंग करेंगे बेसिकली, जो डाटा वगैरह मैपिंग करेंगे, फॉरेस्ट की मैपिंग कर सकते हैं, कुछ और वाटर बॉडीज़ की मैपिंग कर सकते हैं। एंड साइंटिफिक स्पेस क्राफ्ट में कोई पर्टिकुलर मिशन होगा आपका, उसके लिए कोई साइंटिफिक रिसर्च करनी होगी, उसके लिए चीज़ों को ऊपर भेजा जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे टेलीस्कोप वगैरह कुछ भेज दिए। फिर आए नेविगेशन में, नेविगेशन जैसे GPS है हमारा, IRNS है, वैसे ही नेविगेशन के काम आती हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट हैं, ये छोटी छोटी सेटेलाइट होंगी जो कि एक्सपेरिमेंट के बेस पे भेजी जाएगी, इनकी जो ओरिजिनल वर्जन होगा ये बाद में भेजा जाएगा। स्मॉल सेटेलाइट वो होंगी जो 500 kg से कम की सेटेलाइट्स हैं। स्टूडेंट सेटेलाइट जो स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी वगैरह भेज रही है अपनी रिसर्च के लिए, छोटी छोटी सेटेलाइट्स। फिर हमने देखा था कम्युनिकेशन के अंदर इनसेट और जीसेट जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट की सीरीज़ हैं। मोस्टली इनसेट की कुछ सैटेलाइट हैं जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन भी कर रही हैं, लेकिन आपको मोस्टली याद रखना था कि इनसेट जो है हमारी कम्युनिकेशन है और जीसेट भी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है।
और इसके अंदर एडोसेट थी, एडोसेट हमारी फर्स्ट एजुकेशन के लिए सैटेलाइट भेजी थी, 7 साल इसका जो था पीरियड था, 2004 में भेजी थी तो अब तक एक्सपायर हो गई है। कल्पना भी 7 साल के लिए मिशन था हमारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता हमारा जी सेट भी, सेम कम्युनिकेशन के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन की सैटेलाइट है जो कि रिमोट सेंसिंग के लिए भेजी जाती है, मैप वगैरह बनाने हो, ठीक है, उसके लिए की जाती हैं। तो इसमें 13 सैटेलाइट हैं, इनकी सीरीज़ का नाम याद रखना आप, इनके क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे रिसोर्स सेट जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन है, काटो सेट, आयरी सेट, ओशिनो सेट, मेगाट्रोपिक्यू, सारल स्कैट सेट, तो ये सभी जो हैं हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं। और ये जो ये तो हमारी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर है, लेकिन 4 जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी हैं, जैसे इनसेट 3D, कल्पना, इनसेट 3DA, इनसेट 3DR, तो नाम याद रखने पड़ेंगे आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। स्पेस साइंस एक्सप्लोरेशन में एस्ट्रोसैट है हमारा, एस्ट्रोसैट एक ऑब्जर्वेटरी है, ऑब्जर्वेटरी मतलब टेलीस्कोप लगाया हुआ है, ठीक, जो कि मल्टी वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर कर सकता है, ठीक है। तो ये एक्सरे को कैप्चर कर सकता है, ऑप्टिकल को, यूवी स्पेक्ट्रल, मतलब कि जो जो ऑब्जेक्ट इन रेज को छोड़ेंगे उनको कैप्चर कर सकता है ये। 1550 kg है, PSLV-C30 से इसको भेजा गया था, ठीक है। और ये बेसिकली काम क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमने देखा एक्सरे देखा, ऑप्टिकल देखा इसके अंदर, ठीक है, यूवी रेज देखा, तो उनको जो भी ऑब्जेक्ट रेडिएट कर रहे हैं उनकी इमेज बनाएगा, जैसे हमारे बाइनरी स्टार सिस्टम है, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल जो साथ में घूम रहे होते हैं उनकी, या मैग्नेटिक फील्ड होती न्यूट्रॉन स्टार की उसकी, या स्टार कब बर्थ करते हैं उस टाइम जो एनर्जी प्रोसेसेस होती हैं एक्चुअल में, मतलब जो भी प्रोसेसेस जिनमें जो हमारी एक्सरे है, ऑप्टिकल है, यूवी स्पेक्ट्रल रेडिएट हो रहा है उनको ऑब्जर्व करेगा ये, स्टार बर्थ के रीजन को, न्यू जो ब्राइट लाइट जब सोर्स मतलब एक्सरे जब निकलती हैं कोई स्टार वगैरह से निकलती हैं, जैसे ब्लैक होल वगैरह से एक्सरे निकल रही है, जब यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ तब एक्सरे निकलती हैं, या कोई नया स्टार बन रहा है उस टाइम एक्सरे निकलती हैं, तो उनको कैप्चर करेगा ये, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर, मतलब कोई भी लाइट जो अल्ट्रा वायलेट के अंदर है, एक्सरे के अंदर है, ऑप्टिकल के अंदर है, उन सबको कैप्चर करेगा और अच्छी इमेज देगा हमें। तो ये बाइनरी स्टार सिस्टम होता है, मोस्टली जो स्टार्स होते हैं वो बाइनरी के अंदर ही मूव करते हैं, हमें सिर्फ एक दिखता है, ठीक है। और यही स्टार जब अपनी ग्रेविटी के फ्लो में नज़दीक आ जाएंगे, फास्ट फास्ट घूमेंगे, तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स बनाएंगे, ठीक है, बड़े बड़े स्टार्स होंगे। तो स्टार डाई करता है थोड़े टाइम बाद, अगर वो काफ़ी बड़ा होगा तो वो ब्लैक होल बना देगा क्योंकि उसकी ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा होगी, और अगर थोड़ा छोटा होगा तो न्यूट्रॉन स्टार बनाएगा, उससे थोड़ा छोटा होगा तो वाइट ड्वार्फ बनाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा, इनकी लाइट जाती रहेगी और ये मर जाएंगे थोड़े टाइम बाद, ठीक है। और ब्लैक होल के अंदर मतलब एक बार लाइट भी चलेगी तो वो भी वापस नहीं आ सकती, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी जो है काफ़ी बड़ी है, ये ऑब्जेक्ट ही काफ़ी बड़ा है, जब ये ब्लास्ट होता है तो इसकी ग्रेविटी के कारण स्क्वीज हो जाता है, जो इसका न्यूक्लियस होता है वो आपस में ही अंदर घुस जाता है, ठीक है। और फिर आता है इवेंट हॉरिजॉन, नीचे एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि जहाँ पे मतलब जिसको आप लास्ट पॉइंट मान सकते हो, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट होगा जहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे। और सिंगुलैरिटी भी होगा, सिंगुलैरिटी भी उसी के अंदर आता है, ठीक है, 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था ब्लैक होल के ऊपर। नेक्स्ट आता दिस इज कॉल्ड सुपरनोवा, तो ये एक जो हमारा स्टार है वो ब्लास्ट होगा, इस तरीके से बादल उड़ेंगे, ठीक है। हमने चेस मिशन देखा था, वो इन बादल्स को स्टडी करने के लिए बनाया है। ये हमारा न्यूट्रॉन स्टार है जो हमने देखा, न्यूट्रॉन स्टार जो कि मतलब मीडियम साइज का स्टार था वो, अब ये इसका न्यूक्लियस कोलैप्स हो जा रहा था, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही थी इसके अराउंड, ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके अराउंड जो दिख रही है आपको, और ये पोल जो इसके रीजन है यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड को रेडिएट भी करेगा बाहर की तरफ, जब मतलब जब पोल से ही कर रहा है तो ये फास्ट फास्ट स्पिन करता है ये स्टार, तो जब अर्थ की साइड होगा ये तो ये थोड़ी सी रेडिएशन रेडिएट करेगा, तो जब अर्थ की साइड रेडिएट करेगा तभी हमें दिखेगा ये, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मतलब एक तरीके से जैसे बल्ब होता है उसको बंद करते हैं उसको ऑन करते हैं उस तरीके से दिखेगा ये स्टार, ठीक है। तो ऐसे निकालेगा ये बीम ऑफ रेडिएशन अपनी जो पोल्स हैं वहाँ से, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार जो है, और ये बीम ऑफ रेडिएशन जब निकालना शुरू करेगा तो इसी को पल्सर बोलेंगे, ठीक है, पल्सार बोलते हैं इनको, जो ये रेडिएशन निकाल रहा है स्टार, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार जो कि रेडिएशन निकाल रहा है उसी को पल्सर बोलेंगे। फिर स्टार का लाइफ साइकिल है, स्टार जैसे देखा कि अगर छोटा होगा तो वाइट ड्वार्फ बनाएगा राइट साइड के अंदर, अगर बड़ा होगा तो न्यूट्रॉन बना सकता है, या सबसे बड़ा होगा तो ब्लैक होल बना सकता है, फटता है सुपरनोवा से है, सुपरनोवा से बादल जो है फिर से जाके यूनिवर्स के अंदर हो जाते हैं, लेफ्ट साइड के अंदर बादल फिर से आगे ग्रेविटेशनल वेव्स के कारण, ग्रेविटेशन के कारण ये दोनों इकट्ठे मिलते रहते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर के बाद में स्टार्स बनते हैं फिर से, ठीक है। तो ये साइकिल है स्टार्स का। फिर मास ऑर्बिटल मिशन जो था इंडिया का, इंडिया जो है फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन था इंडिया का, और फर्स्ट अटैम्प्ट में इंडिया ने अचीव कर लिया था, और ये फिजिकल फीचर ऑफ मार्स को कैरी करने के लिए बनाया था, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले ही। चंद्रयान बने, इंडिया फोर्थ कंट्री बना चंद्रयान, मतलब चंद्रमा पे ऊपर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला, 2008 के अंदर भेजा था, 2010 के अंदर ये एक्सपायर हो गया था। तो बेसिकली ये केमिकल मेटेरियोलॉजिकल फोटोजियोलॉजिकल मैपिंग करने वाला था मून की, और इसने वाटर भी डिस्कवर किया हुआ है मून के ऊपर, PSLV से भेजा था इसको।
नेक्स्ट आता चंद्रयान टू जो है अभी भेजना है इसको, ठीक है। चंद्रयान टू जो है, और इसमें बेसिकली खास बात क्या है, इसमें एक ऑर्बिटर है जो कि ऑर्बिट करेगा चंद्रमा के अराउंड, एक लैंडर है जो कि लैंड करवाएगा किसी चीज़ को, और एक रोवर है जो कि एक छोटा सा रोबोट होगा जो कि घूमेगा मून के सरफेस के ऊपर। तो तीन टर्म्स इसमें इंपॉर्टेंट है, और GSLV से इसको छोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट आता नेविगेशन के लिए है हमारे पास इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम IRNSS, जिसको नाविक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें दो, मतलब एक तरीके से नेविगेशन के लिए बात हो रही है यहाँ पे, और इसमें दो तरीके की सर्विस देता है, एक तो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम और दूसरा रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कुछ स्टैंडर्ड होंगी जो सिटीजन यूज़ कर पाएंगे और दूसरी रिस्ट्रिक्टेड होंगी, ठीक है। तो अभी ये सर्विसेज हमें मिलना स्टार्ट नहीं हुई है, तो दूसरी रिस्ट्रिक्टेड जो मिलिट्री यूज़ करेगी। तो इसमें 7 सेटेलाइट हैं मेनली अभी, और सोच रहे हैं कि 11 सेटेलाइट तक छोड़नी है इसमें। तो 7 सेटेलाइट हैं, 3 इसमें जियो स्टेशनरी, 4 जो हैं जियो सिंक्रोनस में। PSLV के एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन से इसको छोड़ा था। फिर गगन आता हमारा, गगन इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, जिसमें मतलब नेविगेशन की बात हो रही है बेसिकली, जो एयरपोर्ट होता है वहाँ पे जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, जो एरोप्लेन होते हैं, वहाँ पे नेविगेशन की ज़रूरत होती है, अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ये काम किया जा रहा है गगन। फिर आती है हमारी माइक्रो सैटेलाइट, जो स्मॉल सैटेलाइट होती हैं, ये 500 केजी से नीचे होंगी उनको स्मॉल बोलेंगे, और इसी के डिफरेंट टाइप होते हैं। तो स्मॉल बनाने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये छोटी होती हैं, काफ़ी मात्रा में बनाई जा सकती हैं, और एक ही प्लेस पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग प्लेस के ऊपर आप इनको बना सकते हो, और ये मल्टीपल पॉइंट पे डिफरेंट पॉइंट के ऊपर डाटा को कलेक्ट कर सकती हैं। तो इसी के अंदर टाइप देखे थे, जो लार्ज सैटेलाइट होती हैं वो 1000 से ऊपर होती है, मीडियम 500 केजी से और 1000 केजी तक होती है, मिनी सैटेलाइट 100 केजी और 500 केजी, माइक्रो जो है 10 से 100 केजी तक होती है। आपको बेसिकली नैनो के बारे में याद रख लेना और मिनी के बारे में याद रख लेना, ठीक है, और कोई आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसके बारे में। स्टूडेंट सैटेलाइट, ये नॉर्मल सी जो यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट भेजेंगे उन सैटेलाइट को बोलेंगे, ठीक है। छोटी छोटी सैटेलाइट होंगी बेसिकली, अब यूनिवर्सिटी के अंदर आप बड़ी सी सैटेलाइट नहीं बनाओगे 1000 केजी की। फिर आता आदित्य 1 मिशन, तो आदित्य एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि सन की स्टडी के लिए भेजा जा रहा है, लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के अंदर भेजा जा रहा है, और राउंड अबाउट इसका 1500 केजी तक मास है, PSLV एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन से भेजा जा रहा है इसको, और पहले नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने L1 पॉइंट के अंदर सैटेलाइट भेजी हैं। तो ये L1 पॉइंट के अंदर है, कोई भी मतलब दो बॉडीज़ होती हैं उनके बीच में 5 ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे उनकी जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो बैलेंस हो जाती हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाती हैं। तो ये मून और अर्थ के बीच में, अर्थ और सन के बीच में 5 लैग्रेंजियन पॉइंट ये हैं। ऑब्जेक्टिव है इसका सन का जो कोरोना है उसका डायनेमिक नेचर है उसके बारे में स्टडी करना, सोलर स्टॉर्म जो निकलते हैं जिनको कोरोनल इजेक्शन भी बोलते हैं, उन चीज़ों के बारे में चेक करना, सन का जो स्पेस वेदर है उसको, सन का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो आपने चेक करना है। तो ये हमारा कोरोना है, इसकी जो मतलब जैसे अंदर से अगर बाहर की तरफ आते हैं तो होना ऐसा चाहिए था कि कोरोना का टेम्परेचर डिक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन जो हमें बाहर का कोरोना दिख रहा है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है फोटोस्पियर और क्रोमोस्पियर से, इसको चेक करना है। सोलर जो यहाँ से स्टॉर्म्स निकल रहे हैं, ठीक है, रेडिएशन निकल रही है सोलर से जो कि सन की मैग्नेटिक फील्ड के कारण अर्थ पे आ रही है, उनको चेक करना है हमने, और सन का स्पेस वेदर पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको चेक करना है। तो पहले भी एक ऑब्जर्वेटरी सोहो जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने भेजी थी, बट इसकी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आई, उसको एडजस्ट करते करते इसके इक्विपमेंट टूट गए दो, उसकी वजह से ये अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाई। फिर एक पार्कर सोलर प्रोब है जो कि सन की स्टडी के लिए भेजा जा रहा है, ठीक है, ये नासा के द्वारा भेजा जा रहा है, अभी 2018 या 2019 के अंदर भेजेंगे इसको। एरिस जो है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये UK के अंदर में टेलीस्कोप लगा रहे, इंडिया का फर्स्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है विजिबल लाइट को देखने वाला, और एशिया का सबसे बड़ा है ये, जॉइंट कोलेबोरेशन है इंडिया रशिया एंड बेल्जियम की। मस्ट है सोलर एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, उदयपुर के अंदर ऑब्जर्वेटरी है ये, ठीक है। फिर एस्ट्रोबायोलॉजी मिशन है इसरो और नासा का लद्दाख के अंदर, लद्दाख के अंदर यूवी रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा है और इकोसिस्टम काफ़ी ड्राई है, तो वो मैच करता है मास के सिस्टम से, तो उसको चेक करने के लिए ताकि आगे अगर हम मास के ऊपर जाते हैं तो किस तरीके का एटमॉस्फेयर होगा, उसके लिए एस्ट्रोबायोलॉजी मिशन लॉन्च किया गया है। फिर निसार सैटेलाइट है, ये नासा और इसरो की सैटेलाइट है, और ये सैटेलाइट जो है काफ़ी अर्थ की काफ़ी एडवांस इमेजिंग कर सकती है, 2600 केजी की है, काफ़ी एडवांस इमेजिंग कर सकती है, 2 या 3D डायमेंशन की इमेजें अच्छे तरीके से भेज पाएगी, तो इस मिशन को बोलते हैं निसार। न्यू हॉरिजॉन मिशन है, ये मिशन जो है नासा का है और प्लैनेट जो प्लूटो है उसके बाद तक का जो वर्ल्ड होगा उसको देखने के काम आएगा, और कुपियर बेल्ट के अंदर छोड़ा जा रहा है इसको, ठीक है, छोड़ चुके हैं मतलब इसको काफ़ी टाइम पहले। तो कुपियर बेल्ट जो होती है ये मतलब लास्ट है जो हमारे प्लैनेट हैं उसके बाहर स्टार्ट हो रही है कुपियर बेल्ट, और एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर होते हैं रॉक्स, इसके अंदर होती हैं IC पार्टिकल्स, ठीक है।
तो ये कुपियर बेल्ट है हमारी, और हमारी मार्स और जुपिटर के बीच में हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है। जूनो मिशन जो है नासा का प्रोब है जो कि जुपिटर के ऊपर गया हुआ है। सोफिया ऑब्जर्वेटरी इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, इंफ्रारेड है ये, और नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर के द्वारा भेजी जा रही है, और एयरबॉर्न है, एरोप्लेन के ऊपर टेलीस्कोप लगाया हुआ है, और स्टेटोस्फीयर के अंदर है ये। फिर आता हमारा हब्बल टेलीस्कोप। तो ये हब्बल टेलीस्कोप, इसको 1990 में छोड़ा गया था। स्पेस के बारे में जो भी हम जानते हैं मोस्टली मतलब इसी के द्वारा जाना गया है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा टेलीस्कोप था, इसने हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दी। और ये तीन जो वेवलेंथ है उनमें ऑब्जर्व करता है यूनिवर्स को, नियर अल्ट्रावायलेट, विजिबल, नियर इंफ्रारेड, ठीक है। तो ये तीन को ऑब्जर्व कर रहा है, कोई स्पेशलिटी नहीं है इसके अंदर में, इतना पावरफुल नहीं है। और इसके बाद हम जेम्स वेब लेके आ रहे हैं जो कि इससे तीन गुना बड़ा है, ठीक है। और ये नियर अर्थ कर रहा था, मतलब नियर इंफ्रारेड भी कर रहा था, लेकिन ये जो है सिर्फ इंफ्रारेड कर रहा है, ठीक है। हमने देखा था लाइट जो होती है बड़े दूर से आती है, तो कई बार अपनी एनर्जी खो के इंफ्रारेड में चेंज हो जाती है। तो उतने दूर की लाइट को कैप्चर करने के लिए जेम्स वेब का निर्माण किया गया है नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। लैग्रेंजियन पॉइंट 2 के अंदर इसको छोड़ा जा रहा है, और ये पता करेगा यूनिवर्स के बारे में, और फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट गैलेक्सी है उसके बारे में ये पता करेगा।